साथियों, पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने का लक्ष्य पंचायतों को सही मायने में सशक्तिकरण का सेंटर बनाने का है। पंचायतों की बढ़ती हुई शक्ति, पंचायतों को मिलने वाली राशि गांव के विकास को नई ऊर्जा दे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में बहनों की भागीदारी को और बढ़ाने पर भी हमारी सरकार का बहुत जोर है। भारत की बहन बेटियां क्या कर सकती है, ये कोरोना काल की दुनिया भर में भारत के अनुभव ने विश्व को बहुत कुछ सिखाया है। आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कैसे ट्रैकिंग से लेकर टीकाकरण तक छोटे छोटे हर काम को करके कोरोना के खिलाफ की लड़ाई को मजबूती देने का काम हमारी बेटियों ने किया है, हमारी माताओं बहनों ने किया है। गांव के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा नेटवर्क महिला शक्ति से ही अपनी ऊर्जा पा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह गांवों में आजीविका के, जन जागरण के नए आयाम गढ़ रहे हैं। पानी से जुड़ी व्यवस्थाएं हर घर जल अभियान में भी जो महिलाओं की भूमिका तय की गई है उसको हर पंचायत तेजी से व्यवस्थित करें, ये बहुत आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि अभी तक 3 लाख पानी समितियां पूरे देश में बन चुकी हैं। इन समितियों में 50% महिलाएं होना अनिवार्य है। 25% तक समाज के कमजोर तबके के सदस्य हो, ये भी सुनिश्चित होना जरूरी है। अब गांव में नल से जल तो पहुंच रहा है, लेकिन साथ साथ इसकी शुद्धता, इसकी निरंतर सप्लाई, इसको सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को ट्रेन करने का काम भी पूरे देश में चल रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसमें तेजी जरूरी है। अभी तक 7 लाख से अधिक बहनों को, बेटियों को पूरे देश में ट्रेनिंग दी जा चुकी है, लेकिन मुझे इस दायरे को भी बढ़ाना है, गति को भी बढ़ाना है। मेरा आज देश भर की पंचायतों से आग्रह है कि जहां अभी ये व्यवस्था नहीं हुई है वहां इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। गुजरात में लंबे अरसे तक मैं मुख्यमंत्री रहा और मैंने अनुभव किया है कि जब मैंने गुजरात में पानी का काम महिलाओं के हाथ में दिया, गांवों में पानी की व्यवस्था की चिंता महिलाओं ने इतनी बखूबी की, क्योंकि पानी न होने का मतलब क्या होता है वो महिलाएं ज्यादा समझती है, और बड़ी संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम किया। और इसलिए मैं उस अनुभव के आधार पर कहता हूं, मेरे देश की सारी पंचायतें पानी के इस काम में जितना ज्यादा महिलाओं को जोड़ेंगे, जितना ज्यादा महिलाओं की ट्रेनिंग करेंगे, जितना ज्यादा महिलाओं पर भरोसा करेंगे, मैं कहता हूं पानी की समस्या का समाधान उतना ही जल्दी होगा। मेरे शब्दों पर विश्वास कीजिए, हमारी माताओं बहनों की शक्ति पे भरोसा कीजिए। गांव में हर स्तर पर बहनों बेटियों की भागीदारी को हमें बढ़ाना है, उन्हें प्रोत्साहन देना है।